भारत में इस बार जो गंदम है वीट उसका 8% तक प्रोडक्शन कम हुआ, और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कहते हैं कि इसलिए कम हुआ कि मार्च महीने में जब फ्रूटिंग होती है उसकी वीट की तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड इज़ नाउ ए ग्लोबल विलेज, भारत जो यूरोपियन कंट्रीज़ को और दूसरे कंट्रीज़ को वीट एक्सपोर्ट करता था वो हमने बंद कर दिया। उन कंट्रीज़ में आप इस चीज़ को कॉग्निजेंस लेना शुरू कर दिया कि जी आपने क्यों ये हमें बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल जो ये जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज हम कहते थे कि ये होगा लेकिन ये अब तो होना शुरू हो गया, इसके असरात हम सभी को दिखना शुरू हुए, इसलिए हमारे पास जो भी समय है जितना भी हम कर सकते हैं जिस लेवल पर भी कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े छोटे बड़े जितने भी हैं, डिपार्टमेंट की कोशिश तो है। पिछले साल आपने देखा होगा कि 1,30,00,000 पेड़ जो हैं फॉरेस्ट और जितने भी हमारे अलाइड विंग्स हैं पूरी रियासत में लगा, इस बार हमें टारगेट 1,50,00,000 का है, उसमें सोशल फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 35,00,000 का होगा। इन 35,00,000 पेड़ों में हमारी कोशिश रहेगी कि 10,00,000 के करीब हम वो पेड़ लगाएं जो चारा देते हैं लोकल, ताकि लोगों को चारा भी मिले, उनकी रूरल इकॉनमी स्ट्रेंथन हो, और उसके साथ साथ जो पर्यावरण के लाभ हैं, जो एनवायरनमेंट के लाभ हैं पेड़ों से मिलते हैं वो भी मिलते हैं।